इक्वल दिए हुए, तो जब रियल और इक्वल दिया होता है तो आप क्या लगाते हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए बी, बी क्या आपका माइनस टेन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और माइनस टेन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए कितना है आपका टू है, इंटू सी, सी कितना है आपका के है जीरो, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस टेन का स्क्वायर प्लस हंड्रेड, ठीक है, फोर टू जा एट, और एट इंटू के एट के, जैसे एट इंटू एक्स एट एक्स होता है वैसे एट इंटू के एट के हो गया, ठीक है, माइनस एट के इज इक्वल्स टू जीरो। अब बस के की वैल्यू आप निकाल लो, सिंपल है, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, 100 को आप उधर भेज दो, दे रहे हो सपोज, तो यहाँ पे माइनस का 8k बच जाएगा, तो उधर 0 माइनस 100 कितना हो जाएगा माइनस 100, ठीक है। तो ये माइनस 100 हो गया, आपको पता है जब बोथ साइड माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो गया 8k इज इक्वल्स टू 100। 8 को आप उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ अलग से, k इज इक्वल्स टू, देखो या तो आप बोथ साइड 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तब भी देखिए 8 से 8 कट हो जाएगा और 100 अपॉन 8 आएगा, या तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि 8 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तब भी 100 अपॉन 8 को अगर मल्टीप्लाई में उधर में भेज रहा हूं डिवाइड में हो जा रहा है, तब भी 100 अपॉन 8 हो जा रहा है, 4 टू 8 और 4 25 टाइम्स जाएगा, ये आप काट सकते हो खुद ही, k इज इक्वल्स टू कितना हो गया 25/2। तो पहला मेरा आंसर आया k की वैल्यू कितनी होगी 25/2। देखिए अब बात को समझिए, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रही होगी, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी आपकी कुछ इस टाइप की, 2x² - 10x प्लस इस k की जगह क्या रहा होगा 25/2 रहा होगा k की जगह, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें क्या किया गया है, इस 25/2 को गायब करके हमें यहां पे क्या दे दिया गया है, k, और कंडीशन लगा दी गई, बोला गया रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो k की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं वेरीफाई भी शुरू में एक दो क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करा के दिखा देता हूं। देखिए मेरी k की वैल्यू कितनी आई है 25/2, मतलब अगर यहां पे 25/2 हो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं रूट निकालूं तो वो रियल और इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो k की वैल्यू आगे जो क्वेश्चन में पूछा था, अब देखिए मैं आपको आगे समझा रहा हूं, ये मैं बस आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए k is equals to 25/2 लेके आइए, चेक करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल आएंगे या नहीं, आइए करते हैं जरा, ठीक है। तो देखिए ये ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपॉन में 1, ये अपॉन में 1 हो गया, तो 1 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 जा 4x² माइनस ये भी 2 से होगा 20x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में बंद करिए और 0 के नीचे अपॉन 1 लिखिए, ये पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 20x प्लस 25 और 2 0 था 0। देखिए k की वैल्यू तो आ गई, ये आपका आंसर है, मैं आपको बता रहा हूं कि k की वैल्यू अगर 25/2 रखोगे तो आप रूट्स रियल एंड इक्वल ही आएंगे, वही मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ये उधर चला गया, ठीक है भाई, तो इक्वेशन मेरी ऐसी बनी, क्या बनी, मैं यहाँ पे देखिए बार फिर से नोट कर लेता हूँ, इक्वेशन मेरी बनी है 4x² माइनस 20x प्लस 25, ये वही इक्वेशन है एक्चुअल में, इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और कुछ नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है माइनस बी, देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। बी आपका क्या है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए क्या है आपका 4, सी क्या है आपका 25, ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 जा 16, ठीक है, और 16 इंटू 25 कितना होता है 400, आप कर भी सकते हैं, देखिए 16 33 15 5 1 2 2, ठीक है, आप कर भी सकते हो, देखिए 400 आ गया, और 400 माइनस 400
400 माइनस 400 कितना हो गया, जीरो। देखिए आपका d कितना हो गया, जीरो। ठीक है, और जब d जीरो होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है ना, तो k की वैल्यू अगर 25/2 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए उसने सेटिस्फाई भी करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास इसी में नेचर ऑफ द रूट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 9x² + 3kx + 4। देखिए 9x² + 3kx + 4 = 0। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें मुझे k की वैल्यू बतानी है। और देखिए कंडीशन का आपको ध्यान रखना है, कंडीशन क्या दी हुई है मुझे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो देखिए पिछली बार के आपको कहां मिल रहा था, c वाले टर्म पे, इस बार के आपको कहां पे मिल रहा है, x वाले टर्म में। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो रूल है ना बस आप वो लगाओ। देखिए x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होता है, a होता है। ठीक है भाई, x के अलावा उसके साथ जो कुछ भी लिखा हो मल्टीप्लाई में वो क्या होता है, b होता है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए x का कोफिशिएंट पूछा जाता है, उसमें k लगा हुआ है, तो आप क्या बताते हो, आप बोलते हो ओनली 3। नो, ओनली 3 नहीं है, x को छोड़ के जो कुछ भी लिखा हो वो क्या है आपका, b है। और यहाँ साइन का ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम b की वैल्यू -3 के बोलते, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसलिए x के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है, x के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई है वो हमारा क्या है, b है। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 के आ गई। ठीक है, और देखिए c की वैल्यू कितनी आपकी, 4 है। ठीक है, तो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो कौन सा केस लगेगा, केस लगेगा b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है आपकी, 3k, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू 9 इंटू सी, सी की जगह कितना आएगा 4 = 0। और देखिए 3k का स्क्वायर है, मतलब 3 का भी स्क्वायर करो और k का भी स्क्वायर करोगे, ये 3 का भी स्क्वायर और k का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 = 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 × 9 = 36 इंटू 4, ठीक है, = 0। मन हो तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मन हो तो आप इसका साइन कैसा नेगेटिव है उसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो मैं आप इसको राइट हैंड साइड भेज दे रहा हूँ, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये 0 + 36 × 4 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, मतलब सिंपल सा फंडा, ये साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड, या तो इस वाले 9 को यहाँ भेज दो नीचे, या तो बोथ साइड 9 से डिवाइड कर दो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो 9 से सपोज मैंने डिवाइड कर दिया, 9 से 9 आपका ये कैंसिल हो गया, k² = 9 × 9 और 9 × 4 = 36, 4 × 4 = 16। देखिए k² = कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको k की कितनी वैल्यूज मिल रही है, यहाँ पे आपको k की दो वैल्यूज मिल रही है। कैसे, मैंने आपको बताया जब भी आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे और स्क्वायर रूट के आगे प्लस और माइनस का साइन भी आप लगाओगे। ठीक है, तो देखिए k² = 16 है, ये मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया। ठीक है, ये ऐसा था, मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया और यहाँ मैंने स्क्वायर रूट लगाया, क्या ये ठीक है, नो। जब भी हम स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आगे प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, प्लस माइनस तो रहेगा ही, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। तो देखिए k की दो वैल्यूज ऐसी पॉसिबल हैं, या तो k प्लस 4 हो जाए या तो k माइनस 4 हो जाए, तो चाहे प्लस, देखिए ये तो हमने आंसर दे दिया, ठीक है, कि k की वैल्यू भी प्लस और माइनस 4 है, मतलब k प्लस 4 भी हो सकता है तब भी रूट्स रियल और इक्वल आएंगे, और k माइनस 4 हो सकता है तब भी रूट्स रियल और इक्वल आएंगे। देखिए k की दो वैल्यूज क्यों बनी, क्योंकि ये अपने आप में कैसा बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x की जगह क्या आ गया k, कोई बात नहीं, k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, k = +4 पे भी रियल एंड इक्वल आएगा, k = -4 पे भी रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे। ठीक है, आपको आंसर तो यहीं पे छोड़ देना है, लेकिन मैं आपको देखिए समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे k की वैल्यू आप यहां इस इक्वेशन में आप चेक करो, कुछ भी रखो। सपोज एक बार मैंने k = +4 लिया, ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा इक्वेशन, 9x² + 3 * k की जगह 4, 3 =
12x plus 4, ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अब इसका d निकालो, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू 9 इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गया 144 माइनस 49 जो 36, और 36 इंटू 4 144, तो देखिए कितना आ गया आपका d, 0 आ गया, मतलब जब k आपने प्लस 4 रखा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, और डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखिए जरा, अगर मैं k इज इक्वल्स टू माइनस 4 रखूं, k इज इक्वल्स टू माइनस 4 अगर मैं रखूं तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 नहीं है इस बार, 3 इंटू k की वैल्यू कितनी है माइनस 4, तो 3 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 12x+4 इज इक्वल्स टू 0। फिर से मैंने d निकाला, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, मतलब देखिए b क्या है, माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ठीक है, माइनस 12 इंटू माइनस 12 144, 49 जा 36, 36 इंटू 4 144। देखिए फिर से d आपका कितना आया, 0 आया, मतलब d की मतलब k की वैल्यू या तो प्लस 4 हो तब भी रूट्स रियल और इक्वल होंगे, तो k की वैल्यू माइनस 4 हो तब भी रूट्स रियल और इक्वल होंगे, इसका मतलब k की दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज आंसर में लिखी जाएंगी, तो हम लिखेंगे आइदर k इज इक्वल टू प्लस 4 और k इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, 12x² + 4kx + 3 इज इक्वल टू 0, 12x² + 4 + 4 kx + 3, यही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है यही क्वेश्चन है। चलिए देखिए मैंने आपको क्या बताया, x का जो x स्क्वायर का आगे जो भी लिखा हुआ है वो a है, x को छोड़ के जो कुछ भी लिखा हुआ है कंफ्यूज नहीं होना है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो b है, मतलब 4 नहीं आएगा, केवल 4 नहीं आएगा, क्या आएगा 4 इंटू k, 4 की आएगा, और c की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखोगे कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो लगा दे रहा हूं मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, और b की वैल्यू कितनी है, देखिए आप 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, a कितना है 12 इंटू c, c कितना है 3 इज इक्वल्स टू 0, और 4 जा, देखिए ये स्क्वायर 4 का भी होगा और k का भी, क्योंकि ये लगा हुआ है ना पूरे पे, तो 4 का भी स्क्वायर और k का भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और k स्क्वायर माइनस, ठीक है देखिए 12 3 जा 36, और 36 इंटू 4 144 इज इक्वल्स टू 0, और 16 ये 144 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग बाय 16 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड 16 से आप डिवाइड कर दो, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 1 जा 16, 16 9 जा 144, तो दिस इंप्लाइज दैट k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलिए यहां पे मैं कर देता हूं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, क्या हो गया k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 9, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, क्या मैंने ठीक किया है, नो, जब भी स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस, तो k की कितनी वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, मतलब या तो k प्लस 3 होगा या तो k माइनस 3 होगा, दोनों ही वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे आप इसको करके भी देख सकते हो, आप प्लस 3 रखोगे k की जगह इस क्वेश्चन में, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट, तब भी रूट्स रियल और इक्वल आएंगे, कि अगर आप माइनस 3 रखोगे तब भी रूट्स रियल और इक्वल आएंगे। देखिए 12x प्लस 4 इंटू, जब हम क्या कर रहे हैं k इज इक्वल्स टू प्लस 3 ले रहे हैं, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, आप d निकालो, d इज इक्वल्स टू क्या होता है b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो देखिए 144 माइनस 144 देखिए 0 आ गया, ठीक है, k इज इक्वल्स टू प्लस 3 पे भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है, और k इज इक्वल्स टू माइनस 3 पे भी डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा
जीरो आएगा, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन बोथ केसेस। तो देखिए अगर k इज इक्वल्स टू माइनस 3 ले लूं मैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 12 एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका आप d निकालो, d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a इनटू c। तो देखिए माइनस 12 इनटू माइनस 12 144, और ये 12 3 जा 36 इनटू 4 144। तो आंसर कितना है, 0। तो d इज इक्वल्स टू 0 मतलब k इज इक्वल्स टू प्लस 3 माइनस 3, बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रियल और इक्वल में। इसके बाद ये वाला जो है ना d, जब आपको बोलेगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ग्रेटर देन वाला केस और लेस देन वाला केस भी हम देखेंगे। और एक केस आता है जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम ये केस भी लेते हैं और ये, ठीक है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। पहले हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ठीक है, ये आपको लर्न करना है, ये रीजन इतनी देर से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। चलिए फिर से देखते हैं, a कितना आया हमारा, a कितना आया 2, b कितना है हमारा x के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में साइन के साथ वो b होगा, और देखिए c कितना हो गया हमारा, k हो गया, ठीक है। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो व्हाट इज द केस, केस इज b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है ना। और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, a कितना है 2 इंटू c, c कितना है आपका k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 टू जा 8, 8 k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, आप 9 को उधर ले जाओ तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 8 k इज इक्वल्स टू 0, और ये 9 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 8 ऑन बोथ साइड, 8 से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो गया, k इज इक्वल्स टू 9/8। देखिए पिछली बार k का स्क्वायर होता था है ना, तो k की दो वैल्यू आती थी, इस बार k की पावर कितनी ओनली 1 है, तो मतलब ये k में लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 9/8, मतलब k की एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 9/8। अब ये आप अगर यहाँ पे रखोगे 9/8 और इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे एलसीएम लेके, और फिर अगर आप d निकालोगे तो d कितना आएगा 0 आएगा, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मेरे पास, देखिए दो बार यहाँ पे k आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, kx स्क्वायर माइनस 5x, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे दो बार k आया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार x स्क्वायर के साथ आया हुआ है, एक बार कॉन्स्टेंट टर्म c, तो kx स्क्वायर माइनस 5x, kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं करना है, x स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, a है, x के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है साइन के साथ वो हमारा b है, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 5, और c इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा k हो गया, ठीक है। अब सिंस द कंडीशन इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0, b कितना है आपका माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए कितना है आपका k है, इंटू c, c कितना है आपका k है इज इक्वल्स टू 0। देखिए k में फिर से क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है, देखिए k इंटू k स्क्वायर आ जाएगा ना, तो k की कितनी वैल्यूज आएंगी 2, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बिकॉज माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 25, 4 माइनस 4 k इंटू k, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये 25 उधर लेके जाओगे आप तो कितना हो जाएगा माइनस 25, इसके आगे जो साइन लगा है वो तो लगा ही रहेगा ना, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 4k स्क्वायर, नहीं भाई इसके आगे जो साइन लगा है वो तो लगा ही रहेगा ना, माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस ये 25 उधर जाएगा, 0 माइनस 25 माइनस 25, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 25, ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ ये माइनस से माइनस क्यों कैंसिल हो जाता है, एक्चुअली हम क्या करते हैं ऐसे आप सोच लो,
डिवाइडिंग बाय माइनस वन ऑन बोथ साइड, तब ये माइनस से माइनस कट हो जाता है, या आप क्या करोगे मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन ऑन बोथ साइड, ठीक है, माइनस वन से बोथ साइड क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तब भी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 25 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 4k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा, या आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, ये बहुत कॉमन सी चीज है, आप माइनस फोर से बोथ साइड डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, तो देखिए माइनस फोर से माइनस फोर पूरा कट जाएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 बाय कितना आ जाएगा 4, चलिए मैं अपने तरीके से करता हूँ, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नाउ डिवाइड, ये 4 उधर चलेगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय 4, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट पूरे पे लगेगा, न्यूमरेटर पे भी लगेगा और डिनोमिनेटर पे भी लगेगा, ठीक है, क्या मैंने ठीक किया है, नो, यहाँ पे क्या लगेगा प्लस और माइनस, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का कितना होता है 2, तो k की कितनी वैल्यूज आई, दो वैल्यूज आई, एक बार क्या है आइदर k इज इक्वल टू 5/2 और k इज इक्वल टू 5/-5/2, तो k प्लस 5/2 है या माइनस 5/2 है, बोथ कंडीशंस पे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है मेरे पास नेक्स्ट, ये देखिए थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए मेरे को जगह चाहिए, ठीक है, और मैं बना लेता हूँ जगह थोड़ी सी बोर्ड पे, तो केसेस ये आपको शायद अभी तक लर्न हो गए होंगे, ये बहुत देर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ये आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस के इन द ब्रैकेट, के इन द ब्रैकेट 4x प्लस के माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज कर दिया है इन्होंने और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं, कंडीशन वही है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप केसेस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, x स्क्वायर प्लस, देखिए k से मल्टीप्लाई करिए, k इंटू 4x क्या हो जाएगा, देखिए प्लस प्लस प्लस, तो 4kx प्लस 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 k इंटू k, k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस k इंटू 1k, ठीक है, ब्रैकेट सिंपल ओपन किया और कुछ नहीं किया, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, 2 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि पहले x स्क्वायर का टर्म आएगा, चलिए जरा चेक करते हैं कहां है भाई, बस यहां पे देखिए x स्क्वायर का टर्म है बस, अब क्या आता है x का टर्म आता है, चेक करिए कहां है, बस देखिए इसी टर्म के साथ x है ना, तो ऐसे हमने लिख दिया, और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, बाकी जो कुछ भी बच्चे का परेशान नहीं होना है, वो कैसा बिहेव करेगा, सी जैसा, ठीक है, ये जो कुछ भी बचा हुआ है ये क्या है हमारा सी है, तो आप इसको लिख दो, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी आपका के आंसर आता है, आपने देखा के क्या आता है, कोई नंबर आता है ना, तो नंबर का स्क्वायर माइनस नंबर भी एक नंबर आएगा, और इस नंबर को 2 के साथ जोड़ोगे तब भी एक नंबर आएगा, मतलब ये पूरा एक तरीके से क्या है नंबर है, मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सपोज k इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ, अभी तो पता नहीं k क्या आएगा, आपको बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि k इज इक्वल्स टू अगर 2 है, ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है k का, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, आइए जरा ये चेक करते हैं क्या आएगा, k का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस k की वैल्यू 2 प्लस 2, 4 माइनस 2 2 और 2 प्लस 2 4,
तो ये पूरी वैल्यू कैसी आई, 4। 4 क्या है, एक नंबर है, मतलब एक कांस्टेंट है, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है, तो ये पूरा सी है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप एक्स स्क्वायर का टर्म फिर एक्स का लिख लो टर्म, उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो 1 है, तो ए, और बी एक्स के साथ जो कुछ भी लिखा हो वो बी होता है, साइन का ध्यान रखना है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है आपका 4k, बिल्कुल भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सी, बाकी जो कुछ भी बचा वो सी है, तो क्या है सी मेरा, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस के स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये मेरा सी है। अब ए बी सी मुझे पता चल गया, तो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये कंडीशन आपको गिवन है, तो देयर फोर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, b कितना है आपका 4k, b की जगह आप क्या रखोगे 4 और k, देखिए स्क्वायर लगा है b पे, तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, a कितना है आपका 1 है, c कितना है आपका, देखिए ध्यान देना है यहाँ पे c पूरा ये है, तो हम इसको किस में रख लेंगे, ब्रैकेट में, वाई, बिकॉज ये जो 4 और 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो c की वैल्यू ब्रैकेट में रख दी, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये k में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, देखिए मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कैसे बन जाएगा, सिंपल तो सॉल्व करते जाना है आपको, देखिए 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर आपका, मतलब 4 का भी स्क्वायर करोगे और k का भी स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर होगा ही, ठीक है। देखिए ये 4 into 1, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आना था, 16 k स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो 4 है ना इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा पूरा, ठीक है। तो 16 k स्क्वायर माइनस 4 into k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू के 4k, तो प्लस 4k, माइनस प्लस माइनस 4 टू ज 8, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कोई बात नहीं, x की जगह क्या आ गया, जैसे आप x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो ना, तो ये k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, तो फंडा वही रहेगा, ठीक है। जैसे आपने क्या पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द स्टैंडर्ड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर मैं x को हटा के क्या कर दूं k, तो क्या बन जाएगा, ये देखो ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब पहले k स्क्वायर के टर्म, फिर k के टर्म और फिर कॉन्स्टेंट टर्म, तो आप इसको अरेंज कर लो, सबसे पहले कौन से टर्म आएंगे, k स्क्वायर के, देखिए ऑलरेडी लिखे हैं, बस आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, 12k स्क्वायर प्लस फिर k का टर्म आएगा प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इन तीनों में से आपको 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा यहाँ पे 3k स्क्वायर प्लस 4 चला गया k माइनस 4 चला गया 2, आप वापस देखिए वेरीफाई कर लो, 4 3 जा 12k स्क्वायर प्लस 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 4 इंटू k 4k प्लस माइनस माइनस 8, देखिए उतना ही आ रहा है, मतलब 4 कॉमन आएगा, ठीक है ना, 4 कॉमन आ गया, मानो तो इस 4 को कहां भेज देंगे यहां पे, तो 0.4 0 हो जाएगा, या डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, आप कुछ भी कर लो, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 0.4 कितना आ जाएगा 0, और इक्वेशन मेरी बन गई 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मेरे को k की वैल्यू चाहिए, तो k की भी कितनी वैल्यूज आएंगी 2, अब आप डिपेंड करता है, आपको सारे मेथड पता है, मन हो तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, मन हो तो इसको श्रीधराचार्य लॉ से सॉल्व कर लो, तो सपोज मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू